हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में आज विजय दिवस मनाया गया। 1971 की लड़ाई में अपनी शहादत देने वाले वीर जवानों को याद करते हुए शहीद पार्क में बने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही सैनिक कल्याण के अधिकारी और भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे, जिसके दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में नैनीताल जिले से 15 जवान शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारतीय जवानों की वीरता का लोहा पूरे विश्व ने माना। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। तभी बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई। शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए सभी ने हाथ जोड़ नमन किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूर्व फोरकुमाऊं रेजिमेंट, मैं सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में था। जब यह इसलिए हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान 1971 युद्ध होने का कारण एक था। जब 1947 में पाकिस्तान के दो खंड हो गए, पहले पूर्वी पाकिस्तान और फिर पश्चिमी पाकिस्तान। इन पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का धर्म एक था। लेकिन आज 16 दिसंबर का बहुत बड़ा महत्व है। आज के ही दिन 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों ने अपनी प्राणों की आहुति देके इस पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग किया, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। लड़ाई हुई कत्थर की लड़ाई में जब विजय हमको हासिल हुई आज के दिन, तो उसी विजय दिवस को हम आप सभी मना रहे हैं। सैनिकों के शहादत से और उस समय जो भी सेना रही होगी, पुलिस रही होगी, उनके द्वारा विजय हासिल की है। और विजय के हासिल करने के बाद जब कूटनीतिक रूप से बांग्लादेश को अलग किया है पाकिस्तान से, वो विजय दिवस हम लोग आज मना रहे हैं।